एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज है संडे और संडे का ब्रेकफास्ट तो स्पेशल होना ही चाहिए, तो आज हमारे एक स्पेशल सा ब्रेकफास्ट अपने बच्चों के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 से 7 उबले हुए आलू ली हूँ। इसे हम अच्छे से मैश कर देंगे इस तरह से। अगर आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने पैन ली हूँ। पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल जैसे ही गर्म हो हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा। और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज की अनियंस को चॉप्ड करके लिया है, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और याद रखिए, ऑनियन को ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, इसे हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक हमें कुक करना है। ऑयल ट्रांसलूसेंट हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को एक साथ हमने क्रश कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे बारीक बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे सौते करेंगे जब तक इसकी रॉ स्मेल नहीं जाती। अब बारी है इसमें हम डालेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप और भी वेजेस अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, जैसे गाजर है, बीटरूट ऐड कर सकते हैं, कैबेज आप ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, धनिया पाउडर 1/2 स्पून, रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी ऐड की हुई है, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 नींबू का जूस। अगर नींबू का जूस नहीं है आपके पास तो आप चाट मसाला या आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा जो खटाई होती है ना, वो बहुत मज़ेदार लगती है। अब हम इसमें फाइनली ऐड करेंगे जो हमने मैश किए हुए आलू थे उन्हें। आप ये रेसिपी को आलू की जगह पनीर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, या अगर चिकन है तो चिकन से भी रिप्लेस कर दीजिए, आपकी मर्जी। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक इसे कुक करेंगे। तो लीजिए, हमारा आलू का एक बेहतरीन सा मसाला रेडी है। अब गैस की फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ, और अब हम बनाएंगे एक मज़ेदार सी चटनी। तो जिसमें मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च को क्रश किया था, वही ग्राइंडर मैंने लिया है। उसमें मैंने ऐड की हूँ हरा धनिया, 3 हरी मिर्चें, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 1 ब्रेड को हम छोटे छोटे पीसेस करके इसमें ऐड करेंगे। अगर ब्रेड में नहीं करना है आपको तो आप पीनट्स यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1/2 नींबू का जूस, और डालेंगे 1/2 कप पानी। पानी आप थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए फ्रेंड्स, हमें इसकी एक स्मूथ सी चटनी बनानी है। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना स्मूथ है, इसे हमें बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, इस तरह से। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो मीनवाइल हमारा जो आलू का मिक्सचर है वो भी ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ही हम इसे हरा धनिया ऐड करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे जो हरे धनिया का कलर है वो अच्छा सा ग्रीन रहता है। तो हमारा आलू का मसाला रेडी है, चटनी रेडी है, केचप हमने लिया है, हमने एक लिया है चीज़ का क्यूब और हमने लिए है कुछ ब्रेड। तो आप समझ ही गए होंगे हम बना रहे हैं आज ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच। इस सैंडविच को हम नाम दे सकते हैं आलू मसाला सैंडविच। तो सबसे पहले जो ग्रीन चटनी थी उसे हम इवनली स्प्रेड कर देंगे। आप देख सकते हैं चटनी का टेक्सचर। सैंडविच के लिए ऐसी तरह की आप चटनी बनाइए तो जो है ब्रेड को भी वो अच्छे से चिपक जाएगी, देखिए इस तरह से। अब दूसरी ब्रेड में हम लगाएंगे केचप, इसे भी हम अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे। जो चटनी वाला ब्रेड है उसके ऊपर हम रखेंगे आलू का मिक्सचर। अच्छे से रखिए और इसे अच्छे से स्प्रेड कीजिए, एक मोटा सा लेयर इसका बना दीजिए। अब इसके ऊपर हम ग्रेट करेंगे चीज़। चीज़ जो है बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, और चीज़ से जो है ये सैंडविच का टेस्ट बहुत ही एनहांस होता है, तो चीज़ ज़रूर ऐड कीजिए। अब जो केचप लगाया हुआ ब्रेड है वो हम रख देंगे इसके ऊपर और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरह से। अब इसी तरह से हम सारे रेडी करके आपसे मिलते हैं। तो फिलहाल हमने 3 रेडी कर लिए हैं सैंडविचेस बच्चों के लिए,
और इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर। बटर को भी आप इवनली अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। तो तीनों सैंडविचेस पे हमने ऊपर से बटर लगा लिया है। अब हम पैन को फिर से गरम करेंगे। जो बटर लगाई हुई साइड है उससे हम रख देंगे पैन के ऊपर, और ऊपर से भी हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे अच्छे से। और हमें इसे एक साइड से सिर्फ आधे मिनट तक हमें इसे रोस्ट करना है। अब हम इसे फ्लिप कर देते हैं। देखिए बढ़िया सा कलर आया है। बस यही कलर आने तक हमें इसे कुक करना है। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस अगली साइड से भी इसे हम आधे मिनट तक ही रोस्ट करेंगे। अब इसे पलट देते हैं। देखिए इस साइड से भी अच्छे से रोस्ट हो गया है। बस रेडी है हमारा सैंडविच। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी सैंडविच भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए सैंडविचेस रेडी है। मैं आपको बताती हूँ ये कितने क्रिस्प है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे बीच में से कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सा सैंडविच हमारा रेडी हो गया है। और सैंडविच को ज्यादा डिलीशियस बनाने के लिए हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे ग्रेटेड चीज, और इसका लुक ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसे गार्निश करेंगे केचप से। इस तरह से इसे देखते ही बच्चे खुश हो जाएंगे। तो रेडी है हमारा आलू मसाला सैंडविच। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। अब हम भी टेस्ट करते हैं। एकदम सुपर टेस्टी है, बहुत अच्छा है। जो मार्केट में मिलता है उससे तो काफी गुना ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। मजेदार था, टेस्टी था, और आपको क्या बताऊं, उसके अंदर जो चीज है ना वो भी अच्छे से डली हुई थी। घर में ही आप ऐसे बना दीजिए, बच्चों को टिफिन में भी सर्व कीजिए, और मेहमान आता है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए हम व्लॉग को भी यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये सैंडविच की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय एंड टू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।